मैंने तो दो बार वोटिंग किया। जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम लोग के यहाँ चुनाव यानी मतदान स्टार्ट हो चुका है और हम ये थोड़ा सा इंसुलेटर हुए हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा मदद करने के लिए ये सब हमको मिला है और इसकी वजह से हमको एंट्री मिल जाएगी और जितने भी यहाँ पे कर्मचारी लोग रहेंगे उनके साथ हम बात कर सकते हैं। बाकी आप तो सब लोग वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, हमने काफी लोगों का मदद किया है। वहाँ पे मोबाइल लेना बैन है इसलिए फोटो हम नहीं खिंच पाए हैं और बाकी सब यहाँ पे सुचारू रूप से मतदान का कार्यक्रम चल रहा है और हम भी अभी तो नहीं दिए हैं। आप लोग भी जाइए और दे दीजिएगा, मतदान करना जरूरी है भाई। ये 5 साल में एक बार आता है, अपने लाइफ में हम लगभग 5 से 7 बार ही इलेक्शन के चुनाव में वोट कर पाते हैं। बाकी हम लोग ये तो खत्म हो जाती है, फिर इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा भैया। अगर 5 बार देने का मतलब हो जाएगा 25 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, यानी लगभग हमारे हिसाब से 5 से 7 बार आप देंगे। 18 साल के होने के बाद 25 साल बहुत है यार। 5 बार आपने वोट दे दिया और ये बहुत हो गया। तो सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग सबसे पहले जागरूक बन के अपने लिए अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। मैंने तो 2 बार वोटिंग किया, एक अपना और एक अपने बड़े पिताजी का। हमने तो कर दिया, अब आपकी बारी। जय हिंद। देखिए बूथ पर इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ले आना वर्जित है और वैसे देखा जाए तो हम एक सार्वजनिक स्थल है और सिक्योरिटी के रूप में अगर मोबाइल हम वहाँ पे ले जाते हैं तो गैर कानूनी के रूप में हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम वहाँ पे मोबाइल नहीं ले गए और मैं अपने घर पे रह के वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे बुजुर्ग लोग हो गए और जो पेशेंट लोग हो गए उनको पहुँचाना और उनका मतदान, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के मतदान बूथ तक पहुंचा देना, बस यही इतना ही मेरा काम था। बाकी सब लोग आप लोग उसमें तो देखे ही थे, वॉलंटियर वाराणसी लिखा था, खुद लिखा गया है दिव्यांग मित्र, बस यही हमारा काम था। बाकी हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। हो सकता है आपके एक वोट, सिर्फ एक वोट न करने से आपकी विपक्ष पार्टी हो सकता है कि जीत जाए, इसलिए आप लोग अपना मतदान जरूर करें। एक वोट से हार जीत का निर्णय भी हो सकता है कि आपकी वजह से, हो सकता है कि आपके मित्रों की वजह से, हो सकता है कि आपके परिजनों की वजह से आपका विपक्षी टीम विजयी हो जाए, इसलिए सब लोग समय रहते हुए अपना मतदान जरूर करें। अपने देश के विकास के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग समय रहते यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे से पहले आप सब लोग जाइए बूथ पर और अपना मतदान कीजिए। मत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप सब लोग अपने चुनिंदा उम्मीदवार को चुनिए और देश को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि अभी हम रुक जाते हैं, 1 घंटे बाद चलते हैं, 2 घंटे बाद चलते हैं, ऐसा करने से हो सकता है कि आपका मत किसी अच्छे उम्मीदवार के पास न जाए, इसलिए आप सब लोग बिना देरी किए अपना मतदान अपने अच्छे उम्मीदवार को जरूर करें। काफी अच्छा महसूस होता है लोगों को मदद करने के बाद, आप लोगों को दुआ भी मिलती है, इसलिए आप सब लोग कहीं पर भी बुजुर्ग व्यक्ति या पेशेंट व्यक्ति या किसी अन्य असहाय से जूझते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी मदद जरूर करें, हो सकता है आपकी मदद करने से आपका जीवन सफल हो जाए। बाकी ये यहाँ पे देख सकते हैं वाराणसी वॉलंटियर लिखा है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इधर, आप सब लोग देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे हमें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये हमें मिला है, जो भी मैंने बताया था कि इसमें जो दिव्यांग मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए, बस इसलिए हमको मिला है और ये हमें ब्लॉक से मिला है, अपने ब्लॉक से। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद ना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपका आधार कार्ड चेक करेंगे और जो आपका वोटर लिस्ट में जो क्रमांक होता है, मतदाता क्रमांक होता है, वो मिलाएंगे। आप जाएंगे बाहर, लगभग 100 मीटर बाहर आप लोगों को कोई मिलाते हुए मिलेगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको घर पे एक आशा होती है जो गाँव की आशा नहीं होती है, बीएलओ, वो अपना पहुंचाएंगे आपके घर के पास और आप उसको ले जाइए। कोई भी एक आईडी आपके पास होना चाहिए उसको ले जाइए और वहाँ पे जो भी अपना वॉलंटियर रहेंगे अपना चेक करेंगे, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपका क्रमांक मिलाया जाएगा, क्रमांक मिलाने के बाद आपका अंगूठा, अगर आप अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगेगा, सिग्नेचर करते तो सिग्नेचर लगेगा और इसके बाद आपके पास ऐसा ही स्याही लगेगा, ये न छूटने वाली स्याही है, हालांकि एक आध दो दिन बाद छूट जाएगा लेकिन तुरंत इसको छुड़ाना असंभव है और उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, फिर आप बूथ के पास जाएंगे अपना मतदान कर देंगे, बस इतना सा प्रोसेस होता है। देखिए दोस्तों, मतदान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, मैंने तो कर दिया, अब आपकी बारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो अपना एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।